अम्मी के दस्तरखान में आज बनाएंगे नवाबी कोरमा। इसे बनाने के लिए चाहिए होगा आधा कप मलाई, हल्दी वो हाफ टी स्पून, 1 kg मुर्गी, 1 tablespoon रेड चिली पाउडर, 3 अदद टमाटर चॉप किए हुए, 2 अदद बड़ी प्याज चॉप की हुई, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 tablespoon, गरम मसाला 1 tablespoon, ग्रेट किया हुआ डेकोरेशन के लिए खोपरा चाहिए होगा, कुछ बादाम, नमक टू टेस्ट, पैन में अब प्याज गोल्डन ब्राउन करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक अब प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो चुके हैं, प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसको किचन टॉवल पे निकाल लिया है और इसको अब चूरा बना के रख लेंगे। अब एक देचकी में वही ऑयल लेंगे जिसमें प्याज ब्राउन किए थे, गरम मसाला डालेंगे, लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसको हल्का सा पिंक करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना ये, इसको हल्का सा भूनना है बस लहसुन को और इस मसाले को थोड़ा सा। अब इसमें मुर्गी शामिल करेंगे, चार से पांच मिनट तक पकाएंगे, अब इसे भूनेंगे। जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक इसको फ्राई करना है। अब ढक्कन दे के 2 मिनट तक पकाएंगे। अब इसमें हल्दी शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे, हल्दी शामिल करेंगे हाफ टी स्पून, अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे 1 tablespoon, लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, और 2 मिनट तक ढक देंगे।
अब इसमें कटे हुए 3 टमाटर शामिल करेंगे। एक कप दही शामिल करेंगे। आधा कप मलाई डालेंगे। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। देखें दही का ये पानी, जिसको खुश्क करने के लिए फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखना है। अब इसमें प्याज़ों का चूरा शामिल करेंगे और गोश्त को भूनते जाएंगे। पानी खुश्क हो रहा है। और गोश्त भी अच्छे तरीके से भून रहा है। कोरमा रेडी हो चुका है। एक से दो मिनट तक भूनना है और ये देखें मज़ेदार नवाबी कोरमा रेडी है। अब इसे हम डिश में निकाल के डेकोरेट कर लेंगे ग्रेट किए हुए खोपरे से, कोकोनट से और बादामों को छील के ऊपर डेकोरेट कर देंगे। मज़ेदार नवाबी कोरमा तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। होपफुल आपको ये बहुत पसंद आएगी। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।